लेकिन आखिर ये पता कैसे चलेगा कि कहाँ का यूज्ड टू मॉडल का काम करेगा और कहाँ का यूज्ड टू एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ का यूज्ड टू मॉडल वर्ब है, तब तो हम V1 लगा लेंगे। पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव है तो ING लगा लेंगे, बट पता तो चलना चाहिए कहाँ मॉडल है कहाँ ING है। अभी हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक है? लेट अस डू दिस। अब हम उसी को पढ़ेंगे। ओके, एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो नाउन लेगा ING, वर्ब भी नाउन का काम करता है, ING फॉर्म। ओके, अब मेरे सेंटेंसेस जो लिख रही हूँ उसको ध्यान से सुनोगे, क्योंकि यूज टू को अगर यूज टू वाक्य में मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, यूज टू अगर वाक्य में मॉडल वर्ब का काम कर रहा है ना, तो समझ जाना कि वहाँ का यूज टू ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं, सहायक क्रिया होता है। अब मैं सेंटेंस दे रही हूँ, सेंटेंस से क्लियर हो जाए। अब लिखा मैंने ही यूज्ड टू वर्क हार्ड। अभी तो मैं यूज टू ना एज अ मॉडल वर्ब और एज एन एडजेक्टिव पढ़ा रही हूँ, बट कभी कभी बच्चों को पैसिव में दिक्कत हो जाती है, वहाँ का यूज टू मेन वर्ब का भी काम कर जाता है। देखो सेंटेंस, पहले ही यूज टू वर्क हार्ड, अब मैंने लिखा ही गॉट यूज टू वर्क हार्ड, ठीक है? और तीसरा सेंटेंस लिखा ही वॉज यूज टू, एक मिनट, एक दोनों लगा देती हूँ, वर्किंग हार्ड, ही गॉट यूज टू वर्क या वर्किंग हार्ड, और ही वॉज यूज टू वर्क या वर्किंग। ओके, अब ये यूज टू है और यहाँ भी यूज टू है और यहाँ भी यूज टू है। जब यूज टू मॉडल वर्ब का काम कर रहा है ना, तभी उसको, जब यूज टू ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तभी उसको मॉडल वर्ब मानना और तभी उसके साथ V1 लगाना। पहला सेंटेंस छोड़ो, आप सेकेंड सेंटेंस में बताओ, ये सेकेंड सेंटेंस में क्या यूज टू मॉडल लग रहा है आपको? सेकेंड सेंटेंस में क्या यूज टू मॉडल लग रहा है? लग रहा है? नहीं, पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट देके बताओ, क्या यूज टू मॉडल लग रहा है सेकेंड सेंटेंस में? सेकेंड सेंटेंस में यूज टू मॉडल नहीं है, क्योंकि मॉडल होने के लिए ना उसको ऑक्सिलरी बनना है। उसके पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, बट यहाँ ऑक्सिलरी थोड़ी है, गॉट मेन वर्ब है, गॉट मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद थोड़ी ऑक्सिलरी आता है, पहले ऑक्सिलरी आता है इसके बाद मेन वर्ब आता है। तो यहाँ का जो गॉट है ना, ये मेन वर्ब है, इसमें एक ही वर्ब है और मेन वर्ब है, सिर्फ एक ही वर्ब आया है। और गॉट कभी भी ऑक्सिलरी नहीं होता, गॉट हमेशा मेन वर्ब होता है। इसका मतलब है मेन वर्ब के बाद तो ऑक्सिलरी आएगा नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है। और यूज टू जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो किसकी विशेषता बनाएगा? नाउन की। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें ING लगा देना, ING। अब थर्ड सेंटेंस देखो, फर्स्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ का यूज टू ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ का यूज टू को मॉडल होने के लिए उसको ऑक्सिलरी होना है ना, मॉडल होने के लिए तो सहायक क्रिया होना है, बट ये मॉडल वर्ब कहाँ से हुआ? इसके पहले तो ऑलरेडी एक वर्ब लग चुका है, पहले ऑक्सिलरी आएगा तब मेन वर्ब आएगा ना, बट यूज टू तो ऑक्सिलरी का काम करता है, बट यहाँ तो ऑलरेडी वर्ब आ चुका है। इसका मतलब है यहाँ का यूज टू भी मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ का यूज टू भी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ वर्ब का ING फॉर्म आता है। बिकॉज कई बार बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि मैम हमने तो पढ़ा है कि टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आना चाहिए, बट यहाँ आपने टू के साथ ING लगाया, यहाँ भी टू के साथ आप ING लगा रहे हो, बिकॉज यहाँ यूज टू जो था ना एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। बट यहाँ का यूज टू देखो, ये सब्जेक्ट है और इसके बाद ये मॉडल वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब है, अपने साथ V1 लेगा, V1। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, पता कर लोगे ना कि कहाँ का यूज टू मॉडल है? अगर मॉडल है तो V1, यहाँ का तो मॉडल हो ही नहीं सकता है क्योंकि पहले ही मेन वर्ब आ गया। मॉडल होने के लिए यूज टू को तो ऑक्सिलरी होना चाहिए था, बट यहाँ तो मेन वर्ब आ गया, ये एडजेक्टिव है ING, यहाँ भी यूज टू मॉडल नहीं हो सकता, मॉडल होने के लिए यूज टू को पहले आना चाहिए था, इसकी तरह ऑक्सिलरी बनना चाहिए। ओके, क्लियर है? क्लियर है।